बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आयशा। उबलते हुए सेब की ऐसी अनोखी रेसिपी जो शायद आज से पहले आपने ना कभी देखी, ना कभी सुनी और ना ही कभी बनाई होगी। वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए जी, फटाफट से टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्ती रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस टेस्टी हेल्दी और इजी सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होंगी, सिर्फ हमें सेब को उबालना होगा। एक बर्तन में लेंगे हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी। इसको कवर करके पानी में जबरदस्त सा हम बॉयल आने देंगे। पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये एप्पल्स हैं हमारे पास 4 अदद, इनको हम पानी में ऐड करते जाएंगे। इन एप्पल्स को बॉयल करने के 2 से 3 फायदे हैं जो कि मैं आगे जाके आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। अच्छे से इसको यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन एप्पल्स को अच्छे से बॉयल आने देंगे। कवर कर देंगे इसे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेते हैं। 3 से 4 मिनट यहाँ पे हो चुके हुए हैं, इनको मीडियम फ्लेम पे रखे हुए, ये बहुत जबरदस्त से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। इनको निकाल लेते हैं और इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। सेब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, थोड़े से ठंडे हो चुके हुए हैं। अब हम यहाँ पर इनको छील लेते हैं। इनको बॉईल करने का एक तो फायदा ये हुआ है कि ये नरम हो गए हैं, दूसरा ये कि ये साफ सुथरे हो चुके हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें हम कट करके ऐड करते जाएंगे। इसका जितना भी ये पल्प होगा ना, इसको हमने ऐड करते जाना है। एप्पल्स की हमने सारी प्यूरी जो है वो निकाली हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ये चीनी है हमारे पास, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें पानी और इसे हम कर लेंगे ब्लेंड बहुत जबरदस्त सा। आप लोग ये जो काम है ये ब्लेंडर जार में भी डाल के, जिसमें हम लोग जूस बनाते हैं उसमें डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर था तो मैंने इससे इसको अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। और इस छोटी सी मशीन का रिव्यू जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जरूर वॉच करिएगा, देखिएगा कि ये कितने की है, किस तरह इसको यूज किया जा सकता है और क्या कुछ इसमें होता है। ले जी, एप्पल प्यूरी हमारी बहुत जबरदस्त सी तैयार है। इसके मैं आप लोगों को खिला के दिखाती हूँ, इसके फायदों से आपको आगाह करती हूँ कि आपको इससे फायदे क्या क्या मिल सकते हैं और इसको आपने कब कब यूज करना है। ये देखिए, बहुत जबरदस्त सी प्यूरी जो है वो तैयार है। मैं मिन्हा को आपको खिला के दिखाती हूँ कि बच्चा इसको कैसे इंजॉय कर सकता है और आपने इसको दिन में कैसे कैसे यूज करवाना है और कितने टाइम यूज करवाना है। ये रेसिपी जो है ये बहुत ज्यादा हेल्थी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक सेब नो डॉक्टर। तो अगर आप लोगों का बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, कुछ भी नहीं खाता पीता है, तो ये रेसिपी आप लोगों ने दिन में 2 दफा जरूर ट्राई करवानी है। इंशाल्लाह आपका बच्चा हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में मोटा होता हुआ नजर आएगा। तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।